तो दोस्तों वेलकम बैक टू यूपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2023। आज है एंशियंट हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज अभ्यास टेस्ट सीरीज टेस्ट नंबर 2। इसकी फर्स्ट टेस्ट सीरीज हम लोग कर चुके हैं, जिसमें यह अभ्यास सीरीज की पार्ट टेस्ट फर्स्ट है। पार्ट फर्स्ट जो था उसमें हम 1 से 20 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें एंशियंट हिस्ट्री के हम इन टॉपिक को कवर कर रहे हैं, यानी गुप्त और गुप्त के बाद काल तक कवर कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो टेस्ट सीरीज है ये बायलिंगुअल है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ताकि दोनों माध्यम के बच्चों को समझने में आसानी हो सके, ठीक है। इसके अलावा जैसे हमने बताया ये पार्ट टू है, आज हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 से 40 तक। इन सब की सारी अपडेट हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी यान ईडीयू आईएस पर मिल जाएगी। आप सर्च कर सकते हैं, यहाँ से क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डायरेक्ट लिंक दी गई है, वहाँ से भी आपको पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपको पीडीएफ और क्लास की सारी अपडेट आपको वहाँ से मिलेगी। इसके अलावा फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्वेश्चन से रिलेटेड या फिर कोई कॉन्सेप्ट में आपको समझ नहीं आता तो आप उनको बता सकते हैं, या फिर आप हमारे पर्सनल नंबर पर आप टेलीग्राम पर एसएमएस कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम आपको बता दें, ये जो टेस्ट सीरीज चल रही है सभी सब्जेक्ट को मिलाकर 5 से 6 हज़ार क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज है, जिसमें यूपीएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कवर किए जा रहे हैं। इसके साथ हम बता दें कि हम अपनी टारगेट की ओर आगे बढ़ते हुए लगभग 600 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं अब तक, लगभग सभी सब्जेक्ट में मान, यानी जो टेस्ट चल रही है ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी में हम लोग 8 टेस्ट सीरीज सॉल्व कर चुके हैं, पॉलिटी में भी 8, मॉडर्न हिस्ट्री में 3 टेस्ट दे चुके हैं। इसके अलावा बताएं इकोनॉमी की भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई है, एनसीईआरटी हिस्ट्री की चल ही रही है। इस प्रकार से हम लोग लगभग 500 क्वेश्चन से 600 क्वेश्चन क्रॉस कर चुके हैं। तो अगर बात करें, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें। जिनके पास टेस्ट सीरीज से जुड़ने का एक ही माध्यम ऑनलाइन है तो उनके लिए ये फ़ायदेमंद हो सकता है, ठीक है। तो चलिए आज के टेस्ट की शुरुआत करते हैं। इसके पहले अगर हम लोग एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो कुछ ये पिक्चर्स आप जो ये मैप देख रहे होंगे तो इसमें कुछ ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है उनके बारे में थोड़ा सा आप ध्यान में रखें, क्योंकि यूपीएससी शायद यूपीपीएससी प्रीलिम्स में एक बार क्वेश्चन पूछा गया, कुछ ऑप्शन दिए गए थे, उसमें पूछा गया था ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन कौन कौन सी है, ठीक है। तो इस प्रकार देखेंगे 4 मेन ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है पूरे विश्व में, यानी मेसोपोटामियन, ठीक है, ये हो गया मिडिल ईस्ट वाला मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन, इसे बेबीलोनियन भी कहा जाता है। इसके अलावा इजिप्टियन सिविलाइजेशन, ठीक है, 3300 BC। इसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, 2300 BC। फिर उसके बाद चाइनीज सिविलाइजेशन। तो ये कुछ जो है इम्पॉर्टेंट 4th ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, इसको भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 21 की। इसमें गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े, जो गौतम बुद्ध के जीवन से उनसे जुड़ी विभिन्न घटना है उनके प्रतीकों के संदर्भ पूछा है, यानी इवेंट दिया गया है, शंबुल प्रतीक प्रतीक पूछा है, यानी ध्यान करते हुए बुद्ध का इसमें मिलान किया गया स्तूप से, जो महापरिनिब्बान है वो खाली जगह से, पहला उपदेश चक्र से, तो इसमें कौन सा सही सुमेलित है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन एक जो है बौद्ध स्तूपों में चित्रित जो कई मूर्तियों में बुद्ध को मानव के रूप में, उनके मानव रूप के बजाय क्या प्रतीकों के रूप में दिखाया गया है, ध्यान करते करने वाले बुद्ध को खाली आसन का चित्र, यानी ध्यान करते हुए बुद्ध को क्या दिखाया गया, खाली आसन का चित्र किया गया है। इस प्रकार से स्तूप का इससे संबंध नहीं है, ये ऑप्शन गलत है, यानी ध्यान करने वाले बुद्ध को बुद्ध ने खाली आसन का चित्र दर्शाया गया है। इसके अलावा ऑप्शन दो की बात करें, महापरिनिब्बान की बात करें तो ये भी गलत है, क्योंकि उनके महापरिनिर्वाण या महापरिनिब्बान की घटना का एक प्रतिनिधित्व स्तूप द्वारा ही किया जाता है, इस प्रकार इसका इसका जो है महापरिनिर्वाण का जो है संबंध स्तूप से है, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन तीन की बात करें तो ऑप्शन तीन सही है, बुद्ध द्वारा पहला उपदेश जो है सिंबल क्या है, चक्र है, यानी गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी 5 घटनाएं हैं, इनमें से प्रत्येक को विभिन्न माध्यमों से दर्शाया जाता है। पहले इसको देख लेते हैं फिर उन घटनाओं को हम आपको दिखाते हैं क्या क्या है। इसमें ऑप्शन डी सही है, यानी केवल देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन तीन। अब हम आपको दिखाते हैं गौतम बुद्ध से जुड़ी जो है 5 घटनाएं हैं जो
प्रतीकों के माध्यम से दर्शाया जाता है। गौतम बुद्ध के जन्म को कमल द्वारा, ठीक है, बुद्ध बर्थ को किस द्वारा, कमल द्वारा दर्शाया जाता है, कमल और बैल दोनों द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है, कमल और बैल, ठीक है, इन दोनों द्वारा दर्शाया जाता है। इसके अलावा महाप्रस्थान यानी महा भी निष्क्रमण को किसके द्वारा, घोड़ों द्वारा दिखाया जाता है, ग्रेट डिपार्चर को घोड़े द्वारा दिखाया जाता है। इसके अलावा आत्मज्ञान या निर्वाण जो है बोध वृक्ष द्वारा दिखाया जाता है, एनलाइटमेंट ट्री की बात करता है। इसके अलावा बात करें मृत्यु या महापरिनिर्वाण, यह स्तूप द्वारा दिखाया जाता है, ठीक है, स्तूपा द्वारा जो है महापरिनिर्वाण दिखाया जाता है। इस प्रकार जो है ये महापरिनिर्वाण है, ये स्तूप के अंदर की बात कर रहा है, स्तूपा जो है, और पहला जो उपदेश है ये चक्र दिखाया जाता है। इस प्रकार जो है ये बुद्ध के कुछ चिन्ह हैं जिनको दर्शाया जाता है। इसके अलावा महात्मा बुद्ध के बारे में बात करें तो महात्मा बुद्ध का जो है जन्म सिद्धार्थ के रूप में शाक्य साम्राज्य में हुआ था, ठीक है, इनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था, ठीक है, ये तो सबको पता होगा। और ये कौन से साम्राज्य में जन्मे थे, शाक्य साम्राज्य में ये है इनका जन्म हुआ था, इन यहाँ के क्षत्रिय वंश के अंतर्गत हुआ था। 29 साल की आयु में उन्होंने जीवन की सच्चाई खोजने के लिए अपने घर से सुख सुविधाओं का छोड़ दिया था, ये तो सबको पता होगा, ठीक है। 6 साल तक तपस्या की और भटकते रहे, अंत में बोध गया, बिहार में जो ये बोध वृक्ष है इनलाइटमेंट ट्री कहा जाता है, इसके नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, यानी फर्स्ट जो जो उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। इसके अलावा बात करें गौतम बुद्ध के अनुसार संसार दुखों भरा होता है जो मानवीय इच्छाओं के कारण है, यदि इन इच्छाओं को समाप्त कर दिया जाए तो व्यक्ति निर्वाण प्राप्त कर लेता है, ठीक है। इसी प्रकार अपनी इच्छाओं की समाप्ति के लिए उन्हें अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया, अष्टांगिक मार्ग जो क्या था, सही अवलोकन करना, ठीक है। इसके अलावा बताया सही अवलोकन की बात की, इसके अलावा बताया सही दृढ़ संकल्प, ठीक है, इसके अलावा सही भाषण, सही कार्रवाई, सही आजीविका, सही व्यायाम और सही स्मृति से ध्यान जो है कंट्रोल किया जाता है, इसकी बात की। अब बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 22 के, इसमें प्राचीन भारत के मौर्य वंश के अवधि के संदर्भ में तक्षशिला, उज्जैन, सुवर्णगिरि और कलिंग स्थानों को किस रूप में जाना जाता है, ठीक है, मौर्य साम्राज्य के बारे में पूछा है। तो इसमें मौर्य साम्राज्य की प्रांतीय राजधानियां जो थी, ये जो दिए गए हैं इसमें तक्षशिला, उज्जैन, सुवर्णगिरि, कलिंग जो है मौर्य साम्राज्य की प्रांतीय राजधानियों के बारे में जाना जाता है। इसके अलावा मौर्य साम्राज्य की बात करें तो 4 प्रांतों में विभाजित थी, यही वो है 4 प्रांत, कलिंग, सुवर्णगिरि, उज्जैन और तक्षशिला। प्रांतीय सूबेदार की नियुक्ति ज्यादातर शाही परिवार के सदस्यों से होती थी, वे कानून और व्यवस्था के रख रखाव और साम्राज्य के लिए करों का संग्रह करते थे। इस प्रकार इसमें ऑप्शन सी सही है, ठीक है। क्वेश्चन आया था यूपीपीएससी में, सॉरी यूपीएससी में क्वेश्चन आया था एक बार, उसमें जो बंदरगाह का नाम दिया गया था तो इसका पूछा गया था ये जो है किससे संबंधित है, जैसे कुछ कीवर्ड दे दिया, जैसे कोई किसी बंदरगाह का नाम दे दिया जाता है उसका संबंध पूछता है कि ये क्या है, बंदरगाह है क्या है। इस प्रकार जो है ये आप मैप जो है पीडीएफ में देख लीजिएगा या तो वीडियो रोक कर देख लीजिएगा, इसमें आपको क्लियर दिखाई देगा कुछ जो है उस टाइम के बंदरगाह है तो उनको क्या कहा जाता था, तो उनको आप जो है ध्यान रख लीजिएगा। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है बंदरगाह के बारे में कि ये क्या है, तो आपको ध्यान रखना ये बंदरगाह, बंदरगाह के नाम है वो भी ध्यान रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। ऑप्शन एक है मौर्य शासकों के ने एक केंद्रीकृत प्रशासन संरचना का पालन किया, जबकि जो गुप्त शासक थे एक विकेंद्रीकृत यानी डिसेंट्रलाइजेशन प्रशासन संरचना का पालन किया। ऑप्शन दो की बात करें, पूर्ववर्ती मौर्य काल की तुलना में गुप्त काल में शूद्रों की स्थिति भी और भी खराब हुई। ऑप्शन तीन की बात करें, गुप्त काल के दौरान चीन के साथ बाहरी व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि हुई और रोमन के साथ गिरावट आई। इसमें कौन सा आंसर सही है, ठीक है, तो इसमें देखेंगे ऑप्शन एक जो है सही है, मौर्य शासकों ने एक केंद्रीकृत यानी सेंट्रलाइज संरचना का पालन किया, जबकि जो गुप्ता थे वो डिसेंट्रलाइज संरचना का पालन कर रहे थे, ठीक है। गुप्त काल की बात करें तो गुप्त काल में जो गांव थे, विलेज थे, उनका प्रशासन स्थानीय नेताओं को दिया जाता था यानी डिसेंट्रलाइज कर लिया गया था, और शासकों ने ऐसे प्रशासन में भी हस्तक्षेप नहीं किया। गुप्त काल में क्या हुआ, प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन की एक सिस्टम का
जो है आयोजन किया गया था गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों में से एक था, सामंतों का उदय। इस प्रकार ऑप्शन एक जो है सही है। ऑप्शन दो की बात करें, ऑप्शन दो गलत है, यानी मौर्य काल की तुलना में गुप्त काल में जो है शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ जब उन्हें रामायण महाभारत पुराण सुनने की अनुमति दी थी। वे कृष्ण नामक एक नए देवता की पूजा भी कर सकते थे। जो शूद्र थे मौर्य काल में नौकरों दासों भूमिका से गुप्त काल में उनका प्रतिनिधित्व कृषकों के रूप में किया गया था। इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन दो गलत है, ऑप्शन तीन जो है सही है। ठीक है, यानी पहली अवधि की तुलना में गुप्त काल के दौरान बाहरी व्यापार में गिरावट आई, यहाँ चीन के साथ बढ़ा जबकि रोम के साथ इसमें गिरावट आई। ठीक है, व्यापार, तो इस प्रकार दो है, इसमें जो है तीन सही है। तो इसमें पूछा है कौन सा सही है, यानी एक और तीन, ऑप्शन सी सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में बिंदुसार के संदर्भ में पूछा है। ऑप्शन एक, बिंदु मौर्य साम्राज्य के संस्थापक बिंदुसार थे। ऑप्शन दो, उन्होंने आजीविका नामक धार्मिक संप्रदाय आजीविक ठीक है समर्थन किया। ऑप्शन तीन, उन्होंने सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम के राजदूत के रूप में डोडेमाचस को प्राप्त किया। ऑप्शन चार, उसने सिकंदर महान के सेनापति सेलुकस निकेटर को हराया। कौन सा ऑप्शन इसमें गलत है, बिंदुसार के रूप में पूछा है, बिंदुसार के मामले में। तो इसमें ऑप्शन एक देखेंगे, ये ऑप्शन एक गलत है। ठीक है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे, ना कि बिंदुसार। ठीक है, और जो बिंदुसार थे वो नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद के, और सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य जो थे मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे और उन्होंने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद से पाटिल पुत्र पर कब्जा कर लिया और उन्हें कौटिल्य चाणक्य विष्णुगुप्त द्वारा सहायता प्रदान की गई। इस प्रकार मौर्य साम्राज्य की ये विशेषता थी जो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य साम्राज्य के संस्थापक किए गए थे। ऑप्शन दो की बात करें तो बिंदुसार जो थे वो आजीविक संप्रदाय का समर्थन किया। वे एक तपस्वी संप्रदाय था जो भारत में बौद्ध और जैन धर्म के समान जो है समय में उभरे। इसका सबसे महत्वपूर्ण नेता मक्खली घोषाला था। आजीविका का मुख्य दर्शन यह था कि बिल्कुल सब कुछ भाग्य या नियति द्वारा पूर्व निर्धारित है और इसलिए मानव क्रिया का कोई परिणाम नहीं होता। इस प्रकार ऑप्शन दो सही है। ऑप्शन तीन की बात करें, तीन सही है। बिंदुसार के सीरियाई राजा एंटियोकस प्रथम के साथ जो थे सौहार्दपूर्ण संबंध थे। ठीक है, तो डीमेचस को राजदूत के रूप में भी प्राप्त किया था। और चार की बात करें तो चार गलत है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर ने कुछ ट्रांस सिंधु क्षेत्रों में मौर्य साम्राज्य को सौंप दिया और मेगास्थनीज जो था को यूनानी राजदूत के रूप में मौर्य दरबार में भेजा। ठीक है, इस प्रकार देखेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन जो है सही है। इसमें गलत पूछा है, गलत क्या क्या है, गलत जो है एक और चार है। ठीक है, इस प्रकार इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। अशोका पिलर यानी अशोका धम्म की बात किया गया है। अशोका धम्म में पूछा है, ऑप्शन एक, उनकी धम्म नीति बौद्ध धर्म के सिद्धांतों तक सीमित थी। ऑप्शन दो, सभी धार्मिक संप्रदायों के बीच सहिष्णुता धम्म के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक थे। ऑप्शन तीन, उन्होंने धम्म महात्मा महमता के नाम से भी जाने वाले अधिकारियों के नियुक्त किया जो जगह जगह जाकर लोगों को धम्म के बारे में उपदेश देते थे। ठीक है, इसमें जो है कौन सा कथन सही है ये पूछा है। अगर बात करें अशोक की धम्म नीति की, तो अशोक की धम्म नीति एक व्यापक अवधारणा थी। यह उनके जीवन का एक तरीका था, एक आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट था जो लोगों द्वारा अपनाए जाने वाले सिद्धांतों का एक समूह था। अशोक के धम्म के कुछ विचार बौद्ध धर्म की शिक्षाओं जैसे अहिंसा आदि के समान थे, लेकिन दोनों एक दूसरे से काफी अलग थे। ठीक है, तो इस प्रकार देखेंगे उनके सिद्धांत बौद्ध धर्म तक सीमित नहीं थे, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन दो की बात करें, ऑप्शन दो सही है। ठीक है, सभी धार्मिक समुदायों के बीच सहिष्णुता और सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। ऑप्शन तीन भी सही है कि अशोक ने धम्म महामत्त के नाम से जो है जाने वाले अधिकारियों की नियुक्ति की। तो इस प्रकार जो है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, दो और तीन, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। मौर्य कला और स्थापत्य कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, मौर्य काल में चट्टानों काट कर बनाई गई गुफाओं का प्रयोग आमतौर पर विहार के रूप में किया जाता था। ऑप्शन दो है, मौर्य साम्राज्य के दौरान लकड़ी का मुख्य निर्माण सामग्री थी।
ऑप्शन 3 है, मौर्य काल के मिट्टी बर्तनों को उत्तरी काला मृदभांड कहा जाता है। कौन सा कथन सही है, यानी मौर्य कला स्थापत्य कला के बारे में पूछा है। ऑप्शन एक देखेंगे तो ऑप्शन एक जो है सही है, क्योंकि मौर्य काल में पत्थरों को काट कर बनाए जाने वाली गुफा का उदय हुआ। इन गुफाओं का उपयोग कई भिक्षुओं द्वारा विहार रहने के कमरे के रूप में किया जाता है। इन गुफाओं में सजावटी प्रवेश द्वार, अत्यधिक पॉलिश आंतरिक दीवारें भी थी। ठीक है, इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन एक सही है, ऑप्शन दो भी सही है। लकड़ी का मुख्य निर्माण सामग्री थी। उदाहरण के लिए बताया पाटलिपुत्र में मौर्य की राजधानी, कुमारहार के अशोक का महल, चंद्रगुप्त मौर्य का महल, तो लकड़ी की जो है मुख्य निर्माण सामग्री थी। ऑप्शन तीन की बात करें तो तीन भी सही है। मौर्य काल के मिट्टी के बर्तन को उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तन कहा जाता था। उनके पास अत्यधिक चमकदार बर्तन होते थे और काले रंग से रंगा होता था। ठीक है, तो इस प्रकार देखेंगे इसमें एक दो तीन तीनों सही है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ, जिसमें मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में ही पूछा है। मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में पूछा है इसमें, अशोक के विभिन्न अभिलेखों के अनुसार इस काल में वर्ण व्यवस्था को संस्थागत रूप कर दिया गया। ऑप्शन दो है, मौर्य साम्राज्य के सती और दास प्रथा जैसी सामाजिक घटनाएं मौजूद नहीं थी। ठीक है, कौन सा कथन गलत है। तो इसमें देखेंगे एक और दो दोनों गलत है, यानी बौद्ध और जैन जो धर्म को चुनौती के बावजूद वर्ण व्यवस्था जो है बनी रही, और ब्राह्मण और क्षत्रिय सामाजिक जो था पदानुक्रम हावी रहा, यानी जो स्टेट सिस्टम था कास्ट सिस्टम वो हावी रहा। वैश्यों या व्यापारिक समुदायों और शूद्रों की सामाजिक स्थिति पर सुधार हुआ। अब शूद्र कृषि और दस्तकारी गतिविधियों में शामिल हो सकते थे, यानी जैन और बौद्ध धर्म के आने के बाद जो है जब उसमें क्या हुआ, वैश्यों का जो है व्यापार बढ़ा, उन्होंने भी और बौद्ध और जैन धर्म की तरफ आकर्षित हुए। ठीक है, लेकिन ये वर्ण व्यवस्था जो है संरचना कायम रही, और वैश्यों के व्यापार में बढ़ोतरी का कारण था उनके पास धन आने का कारण था, क्योंकि मैदानी इलाकों में लोहे का प्रयोग। ठीक है, तो इसमें देखेंगे रानी की जो है, अशोक के शिलालेखों में वर्ण या सती प्रथा का कोई उल्लेख नहीं है। भले ही मेगास्तनीज दास ना होने के लिए भारत भारतीय समाज की प्रशंसा करता है, फिर भी विडंबना यह है कि उस समय भारत में गुलामी का अस्तित्व था। तो ठीक है, तो इस प्रकार देखेंगे एक और दो इसमें इस ऑप्शन के हिसाब से सही है। तो ये अशोका के कुछ स्तंभ है, यानी रॉक पिलर हैं। ठीक है, पिलर हैं कुछ जो रॉक एडिक्ट्स हैं वो हैं माइनर रॉक, तो इस कुछ प्लेस हैं, तो इनको आप ध्यान रखने के कहाँ कहाँ कौन कौन सी, ये आपको दे दिए हैं। तो आप जो है प्लेस लोकेशन आपको ध्यान रखना है, मे भी हो सकता है कभी पूछ ले कहाँ स्थित है। 28 की बात करें, मैं इसमें भी मौर्य प्रशासन के बारे में पूछा है। विभिन्न प्रांतों के राज्यपालों के अधीन रखा गया, ठीक है, जो आमतौर पर शाही परिवार से संबंधित नहीं थे। अभी मैंने बताया क्या था, ऑप्शन दो, विभिन्न खर्चों को पूरा करने के लिए खेती के भूर मिलकर जो है भूमि कर के लिए जाना जाता था। ठीक है, मौर्य के विभिन्न खर्चों को पूरा करने के लिए क्या, खेती के भूमि कर का उपयोग करते थे। मौर्य साम्राज्य के बारे में राज्यपालों के अधीन रखा गया और जो शाही परिवार से आम संबंधित नहीं थे। इस प्रकार देखेंगे इसमें ऑप्शन एक जो है गलत है, क्योंकि अधिकांश जो थे शाही परिवार से संबंधित थे। ऑप्शन दो सही है, क्योंकि एक रोमन लेखक प्लीनी के वृत्तांत के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग देखेंगे 6 लाख पैदल सैनिक और 30,000 घुड़सवार बनाए रखे थे। इतनी बड़ी सेना खर्चे को पूरा करने के राज्य के लगभग सभी आर्थिक गतिविधियां अपने क्षेत्र में नियंत्रित कर लिया। इस प्रकार देखेंगे नई भूमि की खेती के तहत जो लाया जाए, जिसे नए बसे हुए किसानों को एकत्रित राजस्व के रूप में अच्छी आय प्राप्त हो सके। तो इस प्रकार ऑप्शन दो सही है, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं, तो इसमें प्रयाग प्रशस्त के बारे में पूछा है। ठीक है, ठीक है, प्रयाग प्रशस्त जो था गुप्त काल के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक शिलालेख है जिसकी रचना समुद्रगुप्त ने स्वयं अपनी राजनीतिक और सैन्य गतिविधियों को दर्शाने के लिए की थी। ऑप्शन दो, यह खरोष्ठ लिपि में लिखा गया है, इसमें कौन सा कथन सही है। एक सेकंड रुकिएगा, हाँ।
सॉरी फॉर इंटरप्शन, इसमें प्रयाग प्रशस्त के बारे में पूछा था। इस प्रकार देखेंगे इसमें जो है ऑप्शन डी जो है ना तो एक ना तो दो, यानी दोनों जो है गलत है। ठीक है, क्योंकि अगर इस शिलालेख की बात करें प्रयाग प्रशस्त के बारे में, तो इसमें राजाओं और शासकों की प्रशंसा की गई थी और उस समय के कवियों द्वारा लिखे गए थे। इसी तरह प्रयाग प्रशस्त समुद्रगुप्त के शाही दरबार में एक कवि और मंत्री हरिसेन द्वारा राजा की प्रशंसा करने के लिए, उनकी राजनीतिक और सैन्य उपलब्धियों को दर्शाने के लिए एक शिलालेख है। इसमें गुप्तों की राजनीतिक साम्राज्यवादी शक्ति के ऐतिहासिक साक्ष्य हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन दो की बात करें तो ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया ना कि खरोष्ठी लिपि में। इस प्रकार ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, इसमें भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो धन्वंतरी, वराहमीर और अमर सिंह के बारे में दिया गया है, यानी धन्वंतरी के बारे में बताया। उनका बृहद जाटक नामक कार्य ज्योतिष पर एक उल्लेखनीय कार्य है। इसके अलावा वराहमीर की बात की, वराहमीर उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम एक उल्लेखनीय नाटक लिखा, और अमर सिंह की बात की गई उन्होंने आयुर्वेद का जनक कहा जाता है, कौन सा सुमेलित है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे ऑप्शन एक जो है धन्वंतरी जो थे वो आयुर्वेद, ठीक है, आयुर्वेद के जनक कहा जाते थे। तो इस प्रकार ऑप्शन एक जो है ऑप्शन एक गलत है। ठीक है, ऑप्शन दो की बात करेंगे, ऑप्शन वराहमिहिर जो इसमें लिया है अभिज्ञान शाकुंतलम उन्होंने लिखा है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा है ये तो आपको पता ही होगा अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में। तो वराहमिहिर जो थे इनका जो मिलान होगा, वराहमिहिर तीन प्रमुख पुस्तकें लिखी, पंच सिद्धांतिका, पंच खगोलिका प्रणाली और बृहद संहिता। संस्कृत भाषा में खगोल विज्ञान, ज्योतिष, भूगोल, वास्तुकला, मौसम, पशु, इस प्रकार के विभिन्न विषयों पर संबंधित थे। बृहद जातक ज्योतिष कार्य पर जो है ज्योतिष पर कार्य था। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन दो भी सुमेलित नहीं होगा। ऑप्शन तीन भी अमर सिंह जो था, अमर सिंह का मिलान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास व वराहमिहिर धन्वंतरी आदि नवरत्नों में से एक था और अपनी संस्कृत रचना अमरकोश के लिए प्रसिद्ध था। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें जो है तीनों सुमेलित नहीं है। और जैसे मैंने अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा, कालिदास ने लिखा था। ठीक है, इस प्रकार तीनों सुमेलित नहीं है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, 31 में पूछा है गुप्त काल की सामाजिक परिस्थिति के बारे में पूछा है। तो ऑप्शन एक, पूर्व गुप्त काल की तुलना में गुप्त काल के दौरान जाति व्यवस्था क्या थी, अनन्य थी। ऑप्शन दो, ब्राह्मणवाद की प्रगति ने बौद्ध और जैन धर्म की उपेक्षा की। ऑप्शन तीन, गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति भी दयनीय हो गई थी। कौन सा कथन सही है गुप्त काल की सामाजिक परिस्थिति के बारे में, दोस्तों इसमें क्वेश्चन पूछा है। तो ऑप्शन एक देखेंगे तो गुप्त काल में पूर्व गुप्त काल की बात किया गया है। ठीक है, इसमें गुप्त काल नहीं, पूर्व गुप्त काल की तुलना में गुप्त काल के दौरान जाति व्यवस्था क्या थी, अनन्य हो गई थी। यानी ये ऑप्शन सही है। अनन्य का मतलब क्या है, ब्राह्मणों को सामाजिक में उच्च दर्जा दिया जाता था, शासकों द्वारा उन्हें ढेर सारे उपहार दिए जाते थे। इस बीच इस अवधि के दौरान धीरे धीरे अस्पृश्यता प्रथा शुरू हुई। फायान ने विस्तार से बताया है कि चांडालों को समाज से अलग कर दिया गया था, उनकी स्थिति दयनीय थी। चांडाल सहित अछूत अन्य समूहों से दूर रहते थे, उन्हें भारतीय समाज में सबसे निम्न दर्जा दिया गया था। तो इस प्रकार ऑप्शन एक सही हो जाएगा। ऑप्शन दो की बात करें, ब्राह्मणवाद की प्रगति की बात जो कर रहा है, तो गुप्त काल के दौरान ब्राह्मणवाद ने बहुत लोकप्रियता हासिल कर ली, परिणामस्वरूप बौद्ध और जैन धर्म को पहले समय के तुलना में बहुत कम शाही संरक्षण प्राप्त हुआ। फायान ने बौद्ध धर्म के पतन का भी उल्लेख किया है, हालांकि वसुबंधु जैसे कुछ बौद्ध विद्वान ने गुप्त राजाओं का जो है समर्थन प्राप्त था, और पश्चिमी और दक्षिणी भारत के जैन धर्म का विकास हुआ। इस अवधि के दौरान वल्लभ में महान जैन परिषद का आयोजन किया गया था। इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन दो सही है, ऑप्शन तीन भी सही है, क्योंकि महिलाओं को पुराणों जैसे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन
जो है करने से मना किया गया था। स्वयंवर की प्रथा अब अभ्यास में नहीं थी। मनुस्मृति में लड़कियों को शीघ्र विवाह का सुझाव दिया गया था। इस प्रकार निष्कर्ष निकाला जा सकता है गुप्त काल के दौरान महिलाओं की स्थिति दयनीय हो गई थी। इसमें 1, 2, 3 तीनों सही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। तो 32 में देखते हैं, 32 में पूछा है सातवाहनों के संदर्भ पूछा है, ठीक है। सातवाहनों के संदर्भ में विचार करना है। नानी घाट के शिलालेख में सातवाहनों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन दो, उन्होंने केवल जो है ब्राह्मणवाद के संरक्षण दिया और अन्य धर्मों के प्रति असहिष्णु रहे। ऑप्शन तीन, उनके शासन के दौरान व्यापार और वाणिज्य में गिरावट है। इसमें कौन सा कथन सही नहीं है, सातवाहनों के संबंध में पूछा है, ठीक है। तो इसमें अगर ऑप्शन ए को देखेंगे तो ऑप्शन ए के जो नानागढ़ शिलालेख है उस शिलालेख में सातवाहनों का उनके उनके विषय में उल्लेख किया गया है। विशेष रूप से गौतमी सतकर्णी के बारे में जो है नानीघाट शिलालेख में उल्लेख किया गया है। ये ध्यान रखना है कि गौतमी जो है गौतमी पुत्र सतकर्णी, ठीक है, गौतमी पुत्र सतकर्णी जो थे उनके बारे में नानीघाट शिलालेख में पता चलता है। सतकर्णी जो थे अपनी संप्रभुता घोषणा करने के लिए 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, तो इस शिलालेख के बारे में उससे पता चलता है। इस प्रकार ऑप्शन एक जो है सातवाहनों के बारे में सही है। ऑप्शन दो की बात करें तो ऑप्शन दो गलत है कि सातवाहनों ने बौद्ध धर्म ब्राह्मणवाद दोनों को संरक्षण दिया। उन्होंने चैत्य विहार बनवाए। उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को गांव भूमि अनुदान दिए। कार्ले शिलालेख में उल्लेख है कि सतकर्णी जो थे बौद्ध भिक्षुओं के भूमिदान दी थी। साथ ही वरिष्ठ पुत्र पुलमाई के पुराने अमरावती स्तूप का मरम्मत भी करा दी थी। इस प्रकार ऑप्शन दो गलत है। ऑप्शन तीन भी गलत है। सातवाहन के शासन के दौरान व्यापार और वाणिज्य समृद्ध हुए। व्यापारियों द्वारा अपने गतिविधियों को बढ़ाने के लिए सामाजिक आयोजन किया गया। सातवाहन काल में विदेशी वाणिज्य गतिविधियां भी देखी गई। इस प्रकार 3 भी गलत है। इसमें कौन सा सही नहीं है, 2 और 3 सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, ठीक है, ये कुछ है कुछ राजधानियां हैं उसकी लोकेशन सातवाहन की है और अवंती की है, तो इस प्रकार के, ठीक है, इनको मैप में लोकेशन आप ध्यान रखिएगा। तो मैप की लोकेशन आपको काम देती है कभी कभी कि कौन सी कहाँ है, उनको आपको ध्यान रखना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, एहोल शिलालेख के बारे में किस शासक से संबंधित है। ऑप्शन एक चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन दो हर्षवर्धन, ऑप्शन सी कुमारगुप्त, ऑप्शन डी समुद्रगुप्तम, ठीक है। तो इसमें बात करेंगे, एहोल शिलालेख की बात कर रहा है। एहोल शिलालेख जो है पुलकेशन द्वितीय से संबंधित है। एक सेकंड, एहोल शिलालेख हर्षवर्धन से संबंधित है। स्लिप ऑफ टंग, आई एम सॉरी। तो हर्षवर्धन से संबंधित है, यानी पुलकेशन सेकंड जो थे एहोल शिलालेख में पुलकेशन द्वितीय द्वारा हर्ष की हार का उल्लेख है। उन्होंने इस उपलब्धि के बाद परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। इससे राजा पुलकेशन द्वितीय के दरबारी कवि जो थे रविकीर्त ने लिखा था, ठीक है। इस प्रकार देखेंगे, इसमें जो है यह शिलालेख भारत के कर्नाटक राज्य में एहोल गेमुति मंदिर के पास है। तो एहोल शिलालेख कहाँ है, कर्नाटक राज्य में देखेंगे, वहाँ पे है एहोल गेमुति मंदिर के पास। मेहरौली शिलालेख की बात करें तो मेहरौली शिलालेख चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित क्या है, मेहरौली शिलालेख, ये कहाँ है। इसमें चंद्रगुप्त के जो है जो देशों से विजय प्राप्त कर की थी उसका उल्लेख किया है। इसमें वकाटक विजयों का भी उल्लेख है और समुद्रगुप्त का संबंध इलाहाबाद स्तंभ लेख से है, ठीक है। इलाहाबाद में जाएंगे तो वहाँ पे स्तंभ लेख है, ठीक है। इसके अलावा बताएं कि उदयगिरि का शिलालेख जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ कुमारगुप्त के बारे में भी उल्लेख किया गया है। तो उदयगिरि का शिलालेख जो है इससे संबंधित है। इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। 34 में गुप्त साम्राज्य के संबंध में पूछा है, कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन ए कुषाणों को तुरंत गुप्त साम्राज्य द्वारा सफल बनाया गया था। ऑप्शन दो गुप्त साम्राज्य के दौरान हाथियों और घोड़े रथों का उपयोग अत्यधिक लोकप्रिय था। ऑप्शन सी गुप्त शासन के रूप में वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य प्रमुख था। ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में साकेता जो था उनके महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक था। तो इसमें देखेंगे, इसमें पूछा है
सर्वाधिक उपयुक्त पूछा है गुप्त साम्राज्य के बारे में, सर्वाधिक उपयुक्त जो है ऑप्शन डी है। ऑप्शन ए की बात करें गलत है, क्योंकि कुषाण शासन के अंत के बाद मध्य भारत में एक बड़े हिस्से पर उनके रिश्तेदारों मुरुंडों का शासन था। ऑप्शन दो जो है गलत है, क्योंकि कुषाण शासन जो था से हाथियों और घोड़े के रथों का उपयोग कम होने लगा, इसलिए गुप्त शासन के समय घुड़सवारों और घुड़सवारों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। ऑप्शन तीन गलत है, ठीक है। ऑप्शन तीन इसलिए गलत है कि गुप्त शासन मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश बिहार के वर्तमान राज्यों के आसपास केंद्रित था, उसमें मध्य प्रदेश साम्राज्य का हिस्सा था, लेकिन यह उत्तर प्रदेश था जो प्रमुख केंद्र था। महत्वपूर्ण केंद्रों में जो था गंगा मध्य गंगा बेसिन था, प्रयागराज था, अयोध्या था, मगध शामिल था। इस प्रकार इसमें जो है ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, समुद्रगुप्त साम्राज्य के संदर्भ में जो है, समुद्रगुप्त साम्राज्य के संदर्भ पूछा है। ऑप्शन एक है गुप्त शासकों द्वारा अंतरजातीय विवाह का समर्थन नहीं किया गया था। ऑप्शन दो है समुद्रगुप्त के शासनकाल में गुप्त युग की शुरुआत को चिन्हित किया गया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो गुप्त साम्राज्य के बारे में देखेंगे, गलत ऑप्शन देखेंगे, तो ऑप्शन एक गलत है, ठीक है, क्योंकि गुप्त शासकों द्वारा अपनी शक्तियों को मजबूत करने के लिए अंतरजातीय विवाह का अभ्यास किया जाता था। गुप्त चंद्रगुप्त प्रथम ने नेपाल के लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह वकाटक वंश के ब्राह्मण के शासकों के साथ किया, यानी अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया जाता था। इस प्रकार ऑप्शन एक गलत है, ऑप्शन दो भी गलत है, क्योंकि 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम के राज्याभिषेक ने गुप्त युग की शुरुआत को चिन्हित किया। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का तीसरा शासक था, उसने गुप्त युग का संस्थापक माना जाता है। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें जो है ऑप्शन दो भी गलत है। तो कौन कौन से गलत है, एक और दो, दोनों गलत है, ठीक है। इसके हिसाब से ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, इसमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूछा है। इस सभ्यता के निवासी कुम्हार के चाक तथा पाषाण कला का ज्ञान रखते थे। ऑप्शन दो है या मूर्ति पूजा रहित एक धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। तो ऑप्शन एक गलत है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता से उन सभ्यता के तीन चरणों में वर्गीकृत किया जाता है। अभी हम आपको इसकी व्याख्या बता रहे हैं क्यों गलत है, ठीक है। तो हड़प्पा जो सभ्यता थी उसको जो है तीन चरणों में वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। जैसे प्रारंभिक हड़प्पा चरण, परिपक्व हड़प्पा चरण, उत्तर हड़प्पा चरण। प्रत्येक चरण में थोड़ी भिन्नता होती है, ठीक है, फिर भी यह प्रत्येक चरण में निरंतरता को चिन्हित होती है। हड़प्पा सभ्यता अपने व्यापक नियोजन के लिए जाना जाता है, ठीक है, उनकी जल निकासी के पैटर्न के लिए जाना जाता है। इस प्रकार देखेंगे हड़प्पा सभ्यता जो है, इसमें जो है अतिरिक्त की बात करें, शिल्प विशेषज्ञता की विशेष समझ थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग कुम्हार चाक के पहिए का इस्तेमाल करना जानते थे। ये काले रंग के डिजाइन के साथ लाल मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, हालांकि वे पाषाण कला में समृद्ध नहीं थे, ठीक है। तो यानी पाषाण कला में समृद्ध नहीं थे। तो इस प्रकार ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन दो गलत है, क्योंकि मूर्ति पूजा रहित नहीं था, क्योंकि इसमें देखें पशुपति और कई देवी की मूर्तियां भी मिली हैं जिसमें मूर्ति पूजा का अभ्यास किया जाता था। तो इसमें जो है कौन सा कथन सही है, देखेंगे ना तो एक ना तो दो। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, ये है हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, और ये है मैप में कुछ लोकेशन। ये हड़प्पा सभ्यता का विस्तार यहाँ तक था भारत में, तो ठीक है। इसके कुछ लोकेशन है, कौन सी नदी के किनारे हैं ये आप भी देख लीजिएगा। इसके अलावा अब बात करेंगे, ये भी हड़प्पा स्थल दिया गया है और उसके जो है फीचर्स की बात की गई है, ठीक है। तो हड़प्पा स्थल दिया गया है, इसमें अल्लादीनो जवारा से संबंधित कोटा वाला जो है, नमक उत्पादन से बालू जो है, लहसुन से संबंधित कौन से युग्म जो है सुमेलित है, ठीक है। तो हड़प्पा के जो लोग थे वो मोतियों के निर्माण से बहुत ही माहिर थे। वे सोने चांदी और करेलियन अन्य कीमती वस्तुओं का आभूषण बनाते। कराची के पास अलादीनों नामक स्थान पर सोने चांदी तांबे के करेलियन और अन्य कीमती पत्थरों बहुत जो है पत्थर बहुत सारे आभूषणों के साक्ष्य मिले हैं। इस प्रकार जो है ऑप्शन एक जो है सुमेलित है, ये कराची के पास स्थित है। इसके अलावा ऑप्शन दो की बात करें तो ऑप्शन दो गलत है, क्योंकि कोटावाला पाकिस्तान में स्थित एक हड़प्पा स्थल है जहाँ पे भट्टियों के उपयोग के सबसे पुराने प्रमाण मिले, ठीक है। और जो नमक उत्पादन की बात कर रहे हैं, गुजरात के केरला घोरो एक और हड़प्पा स्थल है जहाँ के नमक उत्पादन के प्रमाण मिले हैं। उसके अलावा बालू की बात करें,
हरियाणा राज्य में स्थित यह खड़प्पा स्थल है जहाँ लहसुन के उत्पादन के प्रमाण मिले हैं। इस स्थल में प्राप्त विभिन्न पौधों के अवशेषों के लिए भी प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन तीन भी सुमेलित है, यानी एक और तीन सुमेलित है, तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 38 बात करें, ये हड़प्पा स्थल है, उसके अलावा उससे जो इसके पहले वाले मैप में हमने दिखाया उसमें उससे ज़्यादा बेहतरीन तरीके से दिया गया है। तो हड़प्पा स्थल में कभी कभी आपको पूछ लेगा, कुछ हड़प्पा स्थल का नाम देगा, वो कहाँ स्थित है, जैसे राखीगढ़ी की बात किया, लोथल की बात किया, मोहनजोदड़ो की बात किया, तो इसमें कुछ नाम दे देगा, तो वो पूछेगा कहाँ स्थित है, किस नदी किनारे स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूछा है। इस सभ्यता में चांदी का प्रयोग का जो कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता है। ऑप्शन दो की बात करें, इस सभ्यता में धातु मुद्रा के उपस्थित बड़े पैमाने पर व्यापार को प्रोत्साहित किया जाता है। ऑप्शन तीन की बात करें, इस सभ्यता में पकी हुई ईंटों का ज्ञान मिस्र की सभ्यता से प्राप्त हुआ। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में? ऑप्शन एक की बात करें, हड़प्पा सभ्यता को चांदी की शुरुआतों के साक्ष्य के रूप में जाना जाता था। हड़प्पा वासी जो थे मोतियों के निर्माण के लिए बहुत विशिष्ट ज्ञान रखते थे। सोने चांदी और केरलियन के अन्य कीमती पत्थरों को आभूषण जो है बनाते थे। चांदी के प्रयोग का भी प्रमाण मिला था। अगर यहाँ नहीं नहीं होता, यानी नहीं ऑप्शन नहीं होता, तो ये ऑप्शन सही होता, लेकिन नहीं दिया गया है, जबकि चांदी के प्रयोग को जानते थे, इस प्रकार ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन दो गलत है। क्यों गलत है ये बताते हैं हम आपको। ऑप्शन दो की बात करें सॉरी ऑप्शन दो की बात करें तो हड़प्पा काल के दौरान व्यापार काफ़ी हद तक वस्तु विनिमय पर आधारित था, क्योंकि उपयोग में कोई धन का प्रयोग, यानी क्या कहता था, कमोडिटी के बदले कमोडिटी दी जाती थी, यानी वस्तु के बदले वस्तु दिया जाता था। कोई वहाँ पर जो है धन का यानी सिक्के उक्के का प्रचलन था नहीं, ठीक है, तो बड़े पैमाने पर मुद्रा की उपस्थिति थी नहीं, ठीक है। इस प्रकार ऑप्शन दो गलत है। ऑप्शन तीन की बात करें, ऑप्शन तीन जो है गलत है। हड़प्पा के लोगों द्वारा इमारतों में जली हुई या पकी हुई ईंटों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता था। हालांकि जली हुई ईंटों का उपयोग करने के लिए उनका ज्ञान मिस्र सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ था, क्योंकि वह इमारतें मुख्य रूप से सूखी हुई ईंटों से बनी होती थी, ठीक है। इस प्रकार देखेंगे इसमें जो है तीनों ऑप्शन गलत है, इसमें जो है डी उपरोक्त में से कोई नहीं जो है सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें, हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूछा है। वे अर्ध शुष्क भूमि पर स्थित थे और उन्हें सिंचाई की आवश्यकता होती थी। ऑप्शन दो, धौलावीरा जलाशयों की एक जो है सिस्टम को सुसज्जित था, जलाशयों के सिस्टम से सुसज्जित था। ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है, ठीक है। अगर बात करें हड़प्पा सभ्यता के लोगों की, तो ये कृषि के अभ्यास करते थे, क्योंकि यहाँ अनाज के साक्ष्य बरामद हुए हैं, ठीक है, और उसमें क्या क्या है, गेहूँ, जौ, मसूर, चावल, बाजरा। हालांकि वे ज़्यादातर अर्ध शुष्क भूमि पर स्थित थे, कृषि के लिए व्यापक सिंचाई की आवश्यकता होती थी। अफगानिस्तान में जो एक सुर्दघई व्यापारिक चौकी से एक नहर मिलने के साक्ष्य भी मिले हैं, इस ओर इशारा करते हैं कि शायद इसी पानी की सिंचाई होती हुआ मतलब हुआ करती थी। इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन एक जो है सही है। ऑप्शन दो की बात करें, ऑप्शन दो भी सही है, ठीक है। गुजरात के धौलावीरा के एक जलाशय का प्रमाण प्राप्त मिलता है, जिसका उपयोग सिंचाई की जरूरतों को पूरा करने के लिए पानी भंडार के लिए किया जाता है। यह खोजा गया एक नवीनतम हड़प्पा शहर है, जहाँ एक स्टेडियम, बांध, तटबंध और बड़े आकार के विज्ञापन बोर्ड साक्ष्य भी मिले हैं। तो इस प्रकार इसमें ए और एक और दो सही है, यानी ऑप्शन सी सही है। ये लोकेशन है धौलावीरा गुजरात के, ठीक है। उसके पहले मैंने हड़प्पा की लोकेशन दिखाया था, यहीं पर आप देखेंगे बांध, स्टेडियम, तटबंध और बड़े आकार के विज्ञापन बोर्ड के साक्ष्य मिले हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। ये हड़प्पा की एक और मैप है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा कहाँ कौन सा स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, भारत के प्राचीन इतिहास में जो शामन शब्द था किससे संबंधित था? ऑप्शन एक पुरोहितों, एक पुरोहित जिसने मृतकों का अंतिम संस्कार किया है। ऑप्शन दो, जादुई शक्तियों वाले पुरुष व महिला जो लोगों की समस्याएं ठीक करते हैं। ऑप्शन तीन, सिंधु घाटी सभ्यता का काल के व्यापारी। ऑप्शन चार, भटकते हुए तपस्वी जिन्होंने सभी सांसारिक अस्तित्व को त्याग कर दिया। तो ये जो शामन शब्द था, शामन शब्द का उपयोग उन पुरुषों और महिलाओं को इंगित करने के लिए किया जाता था जिनके पास हीलिंग या जादुई शक्तियाँ होती थी। वे दूसरी दुनिया के साथ संचार कर स्थापित कर सकते थे। इससे एक धार्मिक प्रथा के रूप में माना जाता है। आदिवासी जो लोग थे उनसे जुड़ा हुआ था। यह श्रमण परंपरा से अलग था, जैन धर्म और बौद्ध धर्म की प्रथाओं से संबंधित है। श्रमण परंपरा जो होता है वो अशोक ने संरक्षण दिया।
या भटकते तपस्वियों द्वारा शुरू किया गया था, जो श्रवण परंपरा थी। ठीक है, ब्रह्मांड के अर्थ की खोज के लिए सांसारिक जो है अस्तित्व को त्याग दिया, यानी इसका नाम श्रवण परंपरा से है। इस प्रकार देखेंगे इसमें जो है जादू शक्तियों वाले पुरुषों और महिलाओं के लोगों से जो समस्या ठीक करते हैं उनसे है। तो दोस्तों आज का हमारा 40 क्वेश्चन पूरा हो गया है, यानी पार्ट फर्स्ट पार्ट टू मिलाकर 40 क्वेश्चन। इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी एंड ईडीयू IAS पर मिल जाएगी। और एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद फिर से, और इसको ज़्यादा से लाइक और सब्सक्राइब शेयर कीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे नंबर पर आप SMS कर सकते हैं, हम आपको तुरंत से तुरंत जितनी जल्दी पॉसिबल होगा जवाब देने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, स्टे ट्यून्ड।